तो देखिए यार, कैपेसिटर में हमने ऑलरेडी हमारे 6 लेक्चर्स हो गए। लास्ट लेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख रहे थे हम। सो मैंने मेजर 6 रूल्स की बातें की थी। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या ध्यान देते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्या है? रिडक्शन रिडक्शन। ये बहुत रिडक्शन ज्यादा यूज होता है। अगर ये नहीं आपको समझ आएगा, और ये कैसे समझ आएगा बेटा, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करके। रिडक्शन टेक्निक यूज कैसे करना है, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जब आप खुद से सॉल्व करोगे तब आपको फील आएगा बेटर। रिडक्शन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए आ जाता है सेकंड रूल, रीड्राइंग फ्री रीड्राइंग वायर। फ्री वायर में एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या? सॉर्टिंग। ठीक है, अगर किसी कैपेसिटर अकेले कैपेसिटर के अलोंग कनेक्टेड है सॉर्टिंग एक फ्री वायर, तो वो खराब हो जाता है, सर्किट रीड्रॉ करके काम चला लेते हैं। थर्ड क्या था हमारा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ये भी काफी सारे क्वेश्चन में दिख जाता है, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाए ना कि ये व्हीटस्टोन है तो ये तो उससे काम नहीं बनने वाला है। फोर्थ, ये एकदम अलग ही चीज थी, इनफाइनाइट सीरीज थी, तो दो केसेस इंपॉर्टेंट बनते हैं, करना ही पड़ेगा, वैसे थॉट देना ही पड़ेगा। तो इनमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत रेयर ही मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन भी मिलता है मान लो मैक्स, तब भी एग्जाम में इनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। फिफ्थ हमने क्या डिस्कस किया था? इनपुट आउटपुट सिमेट्री इनपुट आउटपुट, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें भी क्वेश्चन कम दिखते हैं लेकिन इजी होते हैं, बस आपको सही चीज करना है। अगर आपने सही सर्किट रिमूवल नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यार पूछोगे कि सर सही कैसे आएगा, तो जितने पॉसिबल एंटीसिपेशन थे वो मैंने आपको समझा दिए, आप उन्हें अगर अच्छे से ध्यान दे के ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रिमूव करना होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको और बेटर लर्न करना है, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, आपको क्लैरिटी दिखने लग जाएगा। 6 नंबर, बताओ इसके प्लेट्स बाद? का प्लेट्स का, इस पे भी क्वेश्चंस आपको दो तीन दिख जाते हैं। मुझे लगता है प्लेट्स भी क्लियर हो गया था सभी को, सर। नंबरिंग रख के बस रीअरेंज कर दो, काम बन जाता है। ओके, आज हम लास्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर के अंदर अगर क्या रख दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक, तो अब हमें कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक देखना है। ऑल दो डाइलेक्ट्रिक का बेसिक मैंने बताया हुआ था, क्या? अगर कैपेसिटर के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट बाय ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि सी डैश हो जाता है के टाइम्स ऑफ सी। क्या ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, इसके लिए मैंने एक टर्म बताया था कि इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि यार एप्सिलॉन नॉट ए तो ठीक है, इसका मतलब डी को डी बाई के लिखा जा सकता है ना, तो ये देखने में एयर जैसा लग रहा है, बट डी बाई के क्या बन जाएगा उसका? इक्विवेलेंट एयर इक्विवेलेंट। तो अगर हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं फिल किया, कुछ टी थिकनेस का फिल किया, तो आप समझ गए एयर कितनी बची डी माइनस टी डिस्टेंस में। एयर कितने में है? डी माइनस टी। और टी की एयर वाली फीलिंग जिसे हम एयर इक्विवेलेंट कहते हैं, वो क्या हो जाएगी? टी बाई के। तो ये हो जाता है हमारा कैपेसिटेंस अगर थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक फिल किया। बताइए क्लैरिटी है या नहीं इसकी? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्या है, मैंने बताया कि यार अगर मेटल रख दिया हमने, या फिर पूरा फिल नहीं किया, सिर्फ मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, तो सी मेटल क्या होता है सॉरी के मेटल क्या होता है? इनफाइनाइट। तो क्या आ जाता है? सी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मैंने बताया था, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस मतलब ये है कि इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो उसे। पता है क्यों? क्योंकि ये चार्ज कुछ स्टोर ही नहीं कर रहा है, ये चार्ज आगे भेज दे रहा है बस। तो आप चाहे कितना चार्ज दो, बस ये एक कनेक्टिंग डिवाइस टाइप हो गया, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं बचा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? नहीं अच्छा, अब हमने क्या सीखना है, अगर हमने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक लगा दिए, आप समझ रहे हैं, अगर हमने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस अलग स्टोर होंगे। अच्छा, कोई बताएगा इंड्यूस चार्जेस क्या होते हैं ऑन डाइलेक्ट्रिक क्यू डैश? क्यू इनटू ब्रैकेट 1 - 1/k बहुत ही बढ़िया यार, वेरी गुड आयुष। तो यार चीजों को ऐसे याद रखना है, बाकी स्टूडेंट्स को भी यही बोल रहा हूँ यार, चीजों को याद रखना है, तुरंत लिंक करना है कि मैंने पूछा कि बताओ इंड्यूस चार्जेस, तो तुरंत ध्यान देना है
कि किस सेगमेंट में सर ने समझाया है कि डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्जेस कैसे निकालते हैं, अगर उसके बगल वाली प्लेट में क्यू चार्जेस है तो डाइलेक्ट्रिक में इतना चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो बेटा इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक ही कैपेसिटर है? नहीं सर। नहीं, तो ये कितने कैपेसिटर बन गए? दो कैपेसिटर। अब मुझे कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, समझना कि ये क्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आने वाला है, क्यू डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बोलूंगा कि इसके पास कुछ क्यू वन डैश आएगा और इसके पास कुछ क्यू टू डैश आएगा, ये पॉइंट ओके है ना? हाँ सर। तो पॉइंट ये है, अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किस टाइप का कॉम्बिनेशन देखूंगा। तो मैं क्या है, ये छोटी सी प्लेट अलग कर लेता हूँ, मान लेते हैं ये एक छोटा सा कैपेसिटर है, तो इसके नीचे भी एक कैपेसिटर होगा, क्या वो बिल्कुल इसके सिमिलर नहीं दिखेगा? Yes. दिखेगा। सोचो इन दोनों कैपेसिटर को मैं कनेक्शन चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है ना, ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है ना नीचे इस रेंज में। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? ये पैरेलल। तो पैरेलल में सब ऐड हो जाएंगे ना, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट कैपेसिटेंस की बातें नहीं करेंगे हम, हम बात करेंगे कि ये सब मिलके पूरा ये अकेला एक कैपेसिटर बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो करते क्या है कि कभी भी अगर हमें कैपेसिटर को डील करना है, आपको कभी भी डाउट आ रहा है, तो कैपेसिटर को हमेशा कैसे कट करो, हॉरिजॉन्टली। कैसे कट करना है हमेशा? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अभी बात यह है कि हॉरिजॉन्टली ये कहीं कट ही नहीं हो रहा, सेम डाइलेक्ट्रिक है पूरे थ्रू आउट द हॉरिजॉन्टल, सेम डाइलेक्ट्रिक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक K1 का कैपेसिटर है और आगे K2 का एक लगा हुआ है, क्या ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? हाँ सर। इसका हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। अब अच्छी बात यह है कि यार रियल में तो कैपेसिटर डी थिकनेस का ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी इक्विवेलेंट लिखूं तो सी इक्विवेलेंट को कंपेयर कर सकता हूं हमेशा किससे, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो इसका मतलब हमारे सी इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में जो भी एक्स्ट्रा दिखेगा वो क्या बन जाएगा, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट। तो चले इसे मैं दिखाता हूँ आपको कि सॉल्व क्या करना है और कैसे करते हैं अगर ऐसे डाइलेक्ट्रिक फिल किए हुए हैं। तो प्लेट को हमेशा कैसे कट करना है, अलोंग द करंट। ठीक है, अभी यहां पर अगर अलोंग द करंट कट करोगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल मिलके पूरा ये अकेला बना लेंगे ना, तो हमें सोचने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अब इनकी थिकनेस क्या होगी, अगर पूरी डी थी तो ये हाफ वाली कितनी हो गई, 3/2। अच्छा बताओ क्या प्लेट एरिया बदला क्या? नहीं सर। नहीं, तो प्लेट एरिया यही होगा सिर्फ, क्या बदला, डी बाई टू। तो देखो C1 कितना हो गया, देखा सबको? हाँ सर। K1 एप्सिलॉन ए बाई डी, C2 भी हो गया। अब C1 C2 किसमें है, सीरीज में है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, डी बाई टू वाला 2 ऊपर आ गया और ये दोनों हमने लिख दिए थे 2 and 2, और यहाँ पर 2 और 2 ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन गया 4, और ये 2 क्या आ गया कॉमन। समझा कि नहीं, बताइए, यहाँ पर K1 K2 बचा और यहाँ पर K1 K2 कॉमन में आ गया। तो देखो अगर मैं पूरा सेटअप देखूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को कॉमन लू तो क्या बचा, 2K1 K2 upon K1 plus K2, बस कितना सिंपल है। कुछ याद आ रहा है ऐसा, 2K1 K2 by K1 plus K2, K जैसी एक चीज, और क्या चीज हमने K से डिफाइन की है, थर्मल कंडक्टिविटी की फिजिक्स में, थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी गुड यार, थर्मल कंडक्टिविटी। वहां पे रॉड को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो कुछ याद है क्या, अगर ये K1 है और ये K2 है तो K इक्विवेलेंट कितना आता है, यही आता है। हाँ, अगर वो उनका एरिया सेम लिया तो, एरिया सब कुछ सेम है, बिल्कुल सिमिलर रॉड्स हैं तो करेंगे तो यही आता है दो डिफरेंट मटेरियल का। तो इस तरीके से चीजें थोड़ा सा आप स्टडी में ध्यान दे सकते हैं, बट अदरवाइज बहुत ही बेटर है कि अगर कैपेसिटर में हाफ हाफ फिल किया है तो आप डायरेक्टली अलग अलग सॉल्व करने का, इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 2 का केस हमेशा लर्न करके रखेंगे कि अगर ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट रखा है, मतलब सीरीज बन रहा है, तो क्या एक्स्ट्रा आता है, K1 K2 बाई
वन प्लस के टू, ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पर के इक्विवेलेंट फिल किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के इक्विवेलेंट पर भी आ जाता है। एक कैपेसिटर में के वन के टू भरा हुआ है, पूछेगा व्हाट विल बी द के इक्विवेलेंट। अब नई चीज, कभी कभी एल बाई फोर तक फिल करता है, ये थ्री डी बाई फोर और ये डी बाई फोर, तब क्या वही फॉर्मूला लगा दोगे क्या? नो सर, नहीं, तब यार करना पड़ेगा, ठीक है? तो तब लर्न करने की जरूरत नहीं, तब आपको ये फॉलो अप लेना पड़ेगा। बताइए समझ आया कि नहीं, फर्स्ट केस के वन के टू अगर स्ट्रेट रखे हैं। चले नेक्स्ट, अगर के वन के टू ऐसे फिल किया हुआ है, हाफ में ये हाफ में ये, तो मैंने क्या समझाया, कट तो हमें क्या करना है, हाफ, तो देखो कहां तक ऐड अप होते रहेंगे, हाफ तक ऐड होंगे ना, उसके बाद तो बदल जाएगा ना, तो बदल जाएगा, तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल बन गया ना। अब इस बार डी नहीं चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, एरिया। और एक बात समझ में आई कि इस बार सी वन सी टू कैसे निकाल लेंगे, डायरेक्टली ऐड करके। तो सी इक्विवेलेंट में यहाँ पर रखा मैंने एरिया रखा ए बाई टू, यहाँ पर ए बाई टू रखा, और सॉल्व होके क्या आ गया, के वन प्लस के टू बाई टू, के वन प्लस के टू बाई टू। समझ आया कि नहीं यार? ये दोनों केसेस आपको के इक्विवेलेंट के याद रखने हैं। बताए पहले फिर से, अगर कैपेसिटर में मैंने रखा है डाई इलेक्ट्रिक इधर पे थ्री और इधर पे फाइव, बताओ व्हाट विल बी के इक्विवेलेंट। क्लियर? तीन बाय फोर। हाँ, और अगर ऐसे हाफ हाफ फिल किया है इधर फोर और इधर एट, समझ गए, फोर प्लस एट बाई सिक्स। ओके, तो समझ आए कि ये नहीं, दो केसेस इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, क्या इसमें कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप लोग के एफर्ट्स की प्रॉब्लम है। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपने एफर्ट्स को मेंटेन रखें, लर्न करते जाए, सीखते जाए। कुछ भी अगर नहीं समझ आए तो आप पूछें। देखें, तो मैंने एक सेटअप बना दिया यार, देखो क्या है, इधर टू है, इधर थ्री है, इधर सिक्स है। अब मुझे बनाना है क्या, इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले तो मुझे इसकी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी ना। तो एक कनेक्टिविटी तो ये है, ये क्या हो गया 2k, और ये दोनों क्या हो गए 3 and 6। समझ आई क्या कनेक्टिविटी? हाँ सर। यस, पक्का सभी को कनेक्टिविटी समझ आई? यस सर। ओके, हाँ, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पॉइंट ये है कि ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सीरीज वाला, तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं ना, क्या कहा था, इन दोनों का आ जाएगा। अब इसका जो आएगा के इक्विवेलेंट, वो ऊपर वाले के साथ कैसा होगा, पैरेलल में, पैरेलल वाला, तो उन दोनों का निकाल देंगे, फाइनली के इक्विवेलेंट आ गया, आपका आंसर आ गया। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो है बेसिक ही कैपेसिटर, बस ये कि के से आप जो है थोड़ा सा डर जाएंगे, तो उन चीजों को समझा दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पर सारी चीजें मैंने क्या है, अभी ऊपर वाले फॉर्मूले यूज नहीं किए हैं, आपको वैल्यू रख के समझाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है, ये हाफ हाफ नहीं होता है, अलग डिस्टेंस में होता है। तो आप समझ गए ना प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको रख के समझाया, सी वन और सी टू का पहले निकाल लेंगे क्या, सॉरी सी थ्री है, सी टू और सी थ्री का क्या निकाल लेंगे, एक इक्विवेलेंट, और वो फिर क्या हो जाएगा सी वन के साथ, पक्का क्लियर हुआ? तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, थ्री के नॉट। अब आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करके देखो, थ्री के नॉट आ रहा है कि नहीं, चले करके देखें जल्दी से, इसे चेक करें थ्री के नॉट आ रहा है या नहीं। यस सर। क्लियर?
पहले इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 6/9, ये हो गया पहले 3 और 6 का, तो ये आंसर कितना आया, 3, 3, 2, 4, और ये 4 और ये 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका 4 + 2/2, कितना आ गया 3, देख रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं करते, सोचो कुछ लोग, कुछ होते हैं ना महान, जो बोल देते हैं अरे नहीं फिजिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ओनली, तो बड़ा अंडरस्टैंड बस करते रह जाओगे तो एग्जाम में कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इनफ लर्निंग रखोगे, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पास कर पाओगे। डन, चले इसे बताएं, इसे समझने का ट्राई करें, कोई बताए क्या कॉम्बिनेशन आएगा इसका। देखें वैल्यूज दे देता हूं मैं, आप लोग आंसर करेंगे। K1 को मैं दे रहा हूं 2, K2 की वैल्यू दे रहा हूं 4, K3 की वैल्यू दे रहा हूं 6। चलो ट्राई करें, फाइंड की K इक्विवेलेंट कितना आएगा, बस उतना ही टाइम से इक्विवेलेंट होगा। चलें टू के बाकी लोग को भी देख लेते हैं, बाकी कोई और वेरीफाई करो यार। 20/7 आ रहा है। ओके आयुष, तुमने क्या गड़बड़ की, कैसे किया बताओ, क्या कनेक्शन किया पहले? सर K2 K3 पैरेलल में है, K2 K3 पैरेलल में, ठीक है, तो उनका K1 + K2/2 होगा। ओके और फिर वो, एक मिनट, आपने ऐसा कनेक्शन किया हुआ है ना, ये K1 है और ये K2 K3, बताओ बाकी लोगों ने डिफरेंट किया क्या कुछ? यही किया तो फिर क्या गड़बड़ है, आंसर कैसे डिफरेंट आ रहा है? चलो चेक करते हैं। क्या है 4 और 6 ना, सो इसका कितना हो गया 10/5, टोटल 5 आया, और ये कितना है 2, तो 2 × 5/10। अरे 5/10 क्या बोल रहे हो, नीचे ऐड करेंगे ना। हाँ सर ठीक है, बट यार ये गलत है, ये गलत है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको अपनी लर्निंग भी थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि चीजें गलत हैं। याद है मैंने एक बार बताई थी स्टार्टिंग में, क्या स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने क्या लाइन बताई थी कि कट करना है कैपेसिटर को हॉरिजॉन्टली ऐसे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों हॉरिजॉन्टली कट करना होता है, आप समझना रीजन क्या है इसका। सोचो यहां पर चार्ज इंड्यूस हुआ कुछ, यहां पर कुछ इंड्यूस होगा, यहां पर कुछ इंड्यूस होगा, यहां पर कुछ इंड्यूस होगा। अब यार ये जो K2 के वजह से इंड्यूस है और ये जो K3 के वजह से इंड्यूस है, क्या ये सेम होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर नहीं होगा तो ये K2 के बगल वाले में भी डिफरेंट आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी का इंड्यूस फॉर्म है, इधर दिख रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कैपेसिटर में इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, इसका मतलब ये पूरी एक प्लेट बनी ही नहीं। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर मैंने इसे ऐसा कनेक्शन बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इधर पर अलग इंड्यूस होगा, सिमिलर यहां पर होगा, इधर पर अलग इंड्यूस होगा, सिमिलर इधर पर होगा। तो इसके जो सामने वाली प्लेट है ये पूरी सेम कैसे होगी यार, नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सामने जो होगा उसे ऐसा इंड्यूस होना पड़ेगा ना इसके जैसा, और इसके सामने वाले को कंपल्सरली इसके जैसा। इसका मतलब ये जो आपने पूरा एक कैपेसिटर माना, ये कैपेसिटर जैसा वर्क नहीं कर रहा है। ऑल्दो इसका के सेम है, बट बिकॉज ऑफ कंपल्सन ऑफ K2, K1 का इंडक्शन थ्रू आउट सेम नहीं होगा। तो हमेशा इंडक्शन इसीलिए हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं कि अगर ये K2 है तो K2 के सामने वाले में अलग होगा
और नीचे अगर बदल गया k3 तो उसके सामने वाले में अलग होगा। इसका मतलब हमने कॉम्बिनेशन क्या किया, गलत बनाया। एक्चुअली इसको क्या बनाना चाहिए था, सभी देखेंगे, एक्चुअली इसको बनाना चाहिए था हमें ये, समझा कि नहीं। ये k2 है, ये k3 है, ये k1 है, ये k1 है। अब मेरा आइडिया ये है, क्या मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों प्लेट क्या है, हाफ हाफ ही है ना। फॉर्मूला कब नहीं लगा सकते मैं बताता हूं। अगर ये फुल कैपेसिटर होता और ये हाफ होता, इसमें और इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब इन दोनों को आपने पैरेलल सॉल्व कर दिया ना, तो वो वापस से एक बड़ा कैपेसिटर बन गया, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली K1 K2 में लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर कैपेसिटर है, बस K1 K2 अलग है, तो लगा दो, ठीक है। तब बनेगा कितना, वो इतना पूरा बड़ा कैपेसिटर बनेगा। नीचे K1 K3 में लगा दो और फिर उन दोनों का पैरेलल। तो चले अब करेक्ट करके ट्राई करें जल्दी से इसे, आप फाइनल आंसर बताएं। बताए फाइनल आउटपुट आया, बाकी लोग कोई 17/6 भाई, बाकी लोग देखें 17/6 ही आ रहा है सबको। ओके गुड। तो बता यार अभी समझ आया कि नहीं यार, डाइइलेक्ट्रिक को रख के क्या चीज ध्यान देनी है, केयरफुल रहना है, बताए। यस सर, ठीक है, ओके, जस्ट मिनट होल्ड ऑन। ओके तो ये हो गया, मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये चीज बता दी कि ये वाला जो सिनेरियो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये K2 और K3 दोनों प्लेट अलग है, तो इस पूरे को एक कैपेसिटर नहीं मान सकते, दो में स्प्लिट करके करना पड़ेगा। डन yes. ठीक है yes. अभी बात करते हैं अभी बात करते हैं कि अगर क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक वेरिएबल देने लग जाए, क्या हो जाए, डाइइलेक्ट्रिक अगर वेरिएबल देने लग जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक सिनेरियो, अगर मान लेते हैं ये कैपेसिटर है और उसके बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक है वो कैसा है, वेरिएबल है। तो ये हुआ के, और के मान लेते हैं डिस्टेंस, इसे मान लेते हैं क्या ओरिजिन, इसे मान लेते हैं ओरिजिन। तो यहां से एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट की गई है, और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 to D तक, ठीक है। हाँ मान लेते हैं k की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, लीनियरली बदल रही है, लीनियरली बदल रही है कुछ इस तरीके से 1 + α × x। तो इसका मतलब ये है कि डाइइलेक्ट्रिक बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अब बताएं अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे,
पहले थॉट समझ आया कि क्या हो रहा है? अच्छा अब बताए अगर वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत स्टार्टिंग से एकदम सिंपल स्टेप, अगर वेरिएबल है तो एक पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा हाँ बताना भूल गया, वेरिएबल वाला नीट में आने की कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके वेरिएबल वाला स्पेशली जेई वालों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दें जेई वाले स्टूडेंट्स। देखें हम एक एलिमेंट लेंगे क्या dx, हम एक एलिमेंट लेंगे dx। अब दिक्कत ये कि ये कैपेसिटेंस बनाएगा dc, ऐसे करके बहुत सारे कैपेसिटर रहेंगे। आप बताओ वो सारे कनेक्टेड कैसे रहेंगे, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन, आपको पहली लाइन जो डिटेक्ट करनी है, ऑल एलिमेंट्स आर इन सीरीज और पैरेलल सीरीज। तो इसका मतलब ये कि किस तरीके से ऐड करोगे, वन अपॉन या स्ट्रेट? वन अपॉन। तो मैं यहाँ पर यही आपको समझाना चाहता हूँ कि पहला स्टेप यही होता है कि आप कैपेसिटर को ऐड कैसे कर रहे हो। ओके तो पहली लाइन क्लियर होगी कि आप कैपेसिटर को ऐड कैसे कर रहे हो। तो अगर ये किस तरीके से है, वन अपॉन में, तो आंसर क्या आएगा, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वन अपॉन ऑल डीसी। समझा कि नहीं? और वेरिएबल चीज का सम करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल चीज का इंटीग्रेट करना पड़ेगा वन बाई डीसी को। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि क्या चल रहा है। अब उस एलिमेंट का क्या लिखना पड़ेगा हमें, डी सी लिखना पड़ेगा ना, डी जस्ट एलिमेंट है, सी लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा सी बताओ, सी इज इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और डी वहां पर क्या है डी एक्स, और के क्या है वन प्लस अल्फा एक्स। तो देखो यार क्वेश्चन ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको सिर्फ एक लाइन समझनी पड़ेगी कि कॉम्बिनेशन सीरीज बन रहा है या कॉम्बिनेशन पैरेलल बन रहा है। यार अब जिसे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो यार फिर तो जेई वालों के लिए गड़बड़ है। बताएं यार इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ओके वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ln 1 प्लस अल्फा एक्स, और कुछ अपॉन अल्फा, बहुत ही बढ़िया है, अपॉन अल्फा ये अलग हो गया, ठीक। लिमिट क्या रखेंगे, 0 to d, डन खत्म काम, आ गया सी इक्विवेलेंट का आंसर। फ्लिप कर दो अपने आंसर को, तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर देखिएगा कि क्या आएगा, ये वन अपॉन में आने वाला है, कहाँ पर आएगा वन अपॉन में आएगा ln, पहले आप रखोगे क्या वैल्यू जीरो, तो क्या आएगा ln वन। बताओ यार ln वन क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, माइनस d रखेंगे, तो माइनस ln वन प्लस अल्फा d, ये हो जाएगा आपका आंसर। सर पहले डी फिर जीरो ना, ओके हाँ सॉरी, और कैपेसिटेंस नेगेटिव भी नहीं आ सकता ना, ये भी थॉट ध्यान देना है कि ऐसे नेगेटिव थोड़े कैपेसिटेंस आएगा। पहले रहेगा ln 1 प्लस अल्फा डी, और दूसरा क्या रहेगा माइनस ln 1, तो वो हो गया जीरो। इसका मतलब अब क्वेश्चन में क्या बदलेगा यार, ये बस फंक्शन बदलेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो मुझे लगता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताएं क्लियर है या नहीं, यहाँ पर एग्जांपल ये वाला ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा, ये क्या है फाइन सी इक्विवेलेंट ऑफ वेरिएबल डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर है ना सभी को, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा बस डाइइलेक्ट्रिक कैसा जा रहा है। अच्छा अभी क्या रहता है कि कुछ लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहते हैं, कई बार आपको आंसर ये दिखता नहीं है, तो आप मुझे लगता है कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो जान गए, क्या करेंगे यहाँ पर बायनोमियल वाला सीन, ln में
ऊपर जाएगा नेगेटिव पावर जैसे कंसिडर करेंगे, तो ये अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए एल एन क्या बन जाएगा, वन माइनस अल्फा डी। अभी यार मैथ में आप एक और चीज देखोगे कि एल एन की एक सीरीज होती है, किसी को पता है कि एल एन वन प्लस एक्स की सीरीज, तो ये चीज समझे कि इस तरीके से एल एन में सीरीज चलती है एल एन वन प्लस एक्स की। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है, कोई नई चीज नहीं है, ऐसे आप ई टू दी पावर एक्स की भी सीरीज पढ़ेंगे, किसी ने पढ़ी ऑलरेडी, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, लाइकवाइज चलेगा। तो ये चीज आप कहाँ पर पढ़ेंगे, मैथ में अलजेब्रा में पढ़ेंगे आप लोग, यहाँ के लिए बस वही पॉइंट है, सीधा लर्न करना है, कुछ पॉइंट बनता नहीं है। तो आंसर ऐसा भी दिख सकता है अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या दिख सकता है वन माइनस अल्फा डी, एंड देन बिकॉज मैं माइनस देख रहा हूं तो सीरीज बदल जाएगी, ठीक है, फ्लिप हो जाएगा। तो ये मैंने वन प्लस एक्स की लिखी है, वन माइनस एक्स की, ये माइनस ये प्लस दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया वन माइनस अल्फा डी, एक मिनट, वन माइनस एक्स स्क्वायर रहता है यार, गड़बड़ करा दिया आपने, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई फोर ऐसे रहेगा, ओके सर, डायरेक्ट माइनस एक्स रहते हैं और सब माइनस रहते हैं शायद, सारे माइनस में रहते हैं, हाँ, और वन नहीं रहता है, ओके ओके, वन नहीं है तो फिर ठीक है, एक्स माइनस ऐसे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस नहीं यार, ऐसे सारे माइनस नहीं रहते हैं, एक मिनट रुके यार, जस्ट सेकंड, मैं सर्च कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ, एल एन वन प्लस एक्स ना, किसी ने देखा क्या ऑलरेडी, एल एन वन प्लस एक्स माइनस प्लस, ओके ठीक है, ठीक है, मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस माइनस प्लस चल रहा है, सारे माइनस नहीं है, ओके ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट है मैं ये सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको इसका क्या दिख जाए, एक्सपेंशन यहां पर देखने को मिल जाए, ओके। और भी कंडीशन दे दे क्या, कि अगर अल्फा डी क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉलर नंबर है, क्या है, इफ अल्फा डी इज वेरी वेरी लेस देन वन, तब क्या कर सकते हैं, हायर पावर्स को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ओके ना यार, बताएं समझ आया सारी चीजें, यस सर, हाँ, तो मतलब ये कि स्क्वायर तक रख लो और क्यूब वाली पावर को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट समझ आया कि नहीं, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब ये है यार, एक एलिमेंट लो और जैसे सीरीज पैरेलल करते हैं करेंगे, अगर सीरीज होगा तो स्ट्रेट रिलेशन आएगा, समेशन ऑफ ऑल सी, तब डायरेक्टली इंटीग्रेट करने को मिलेगा, पहले ले इसलिए कहां पर मिला है, वन अपॉन में, बताए ओके है कि नहीं, ओके ठीक है। और कुछ केसेस देख लेते हैं, अभी ये बताओ यार आप लोग, अभी सपोज डाइइलेक्ट्रिक ऐसे रखा हुआ है, कनेक्शन ऐसे है और डाइइलेक्ट्रिक ऐसे फिल किया हुआ है, ये के वन है ये के टू है, तो बताओ बेटा क्या कॉम्बिनेशन है, K1 K2 सीरीज है या पैरेलल है, पैरेलल है, तो हाँ, ये नहीं बोल देना कि सर आपने तो स्ट्रेट पढ़ाया है और क्वेश्चन में वर्टिकल आ गया, यार अब कॉमन सेंस की बात है,
इसका मतलब ये है कि करंट इधर से आ रही है, तो ऐसे स्प्लिट हो रही है ना, दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में, ठीक है। चले बहुत बढ़िया। अभी सोचो इसमें मैं स्लैंट डाइलेक्ट्रिक रख दूं, कैसा स्लैंट, अब बताओ क्या होगा, कैसे बोल दोगे क्या कि ये हाफ पैरेलल है इससे, नहीं पहले इसे क्या कर लो, सीधा कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे, कंफ्यूजन नहीं करना है, इसे पहले क्या कर लेना है तुरंत स्ट्रेट, ओके। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या समझाया था कि कॉम्बिनेशन हमें कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल, तो ये सारे कैपेसिटर अगर आपको कनेक्ट भी करने हैं तो कैसे करने पड़ेंगे सारे हमेशा पैरेलल में, और आप देखो कि हर बार दो कैपेसिटर सीरीज में बनेंगे ना, कोई बीच का एक एलिमेंट देखो, सपोज ये पिक करो, इतना ये अलग पिक होगा और रिमेनिंग ये अलग पिक होगा ना, समझा कि नहीं यार, yes. इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि इक्विवेलेंट का आंसर क्या आएगा, समेशन ऑफ सी ऑल, लेकिन ये जो सी ऑल है इसमें ऑलरेडी कितने हैं, दो, बताइए समझा कि नहीं यार, यार बताए इसमें कोई डाउट क्या है। और अब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इसका एक एलिमेंट dx, और उसे कहां से कहां देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ आने पर ये k कितना कम हो जाएगा, तो ये tan थीटा पहले निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, इसका d, क्या निकालेंगे इसकी थिकनेस, तो मान लेंगे d थिकनेस, मतलब कुछ मान लेता हूँ d डैश, तो इसकी थिकनेस कितनी बचेगी फिर, d माइनस d डैश, समझ आया यार, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, आपको समझना पड़ेगा उसे प्रॉपर, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं ना, ये डाइइलेक्ट्रिक के मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, जब डाइइलेक्ट्रिक इधर वेरिएबल दे देता है या फिर डाइइलेक्ट्रिक की फिलिंग जो है वो किसी कर्व या स्लैंट हाइट में होती है, बता यहां तक ओके सभी को यार, डाइइलेक्ट्रिक ओके। अब आते हैं कैपेसिटर के कुछ स्पेशल केसेस में, कई बार क्या होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ थ्योरेटिकल चीजों को समझने का ट्राई करेंगे, ठीक। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहली लाइन क्या, क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा बाकी सारे एलिमेंट्स और वहां पर क्या किया गया है, देखें सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज, तो क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है क्या, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज, तो पहली लाइन तुरंत दिमाग में जानी चाहिए, सी क्या होता है, बेटा डी बढ़ा दोगे तो सी को क्या होगा, कम होगा। ये हुई क्या फर्स्ट कॉमन सेंस, अब इसके बाद सब लोग गलत कर देते हैं आगे की लाइन, क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छे से सुने, दो टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, नंबर वन कुछ भी नहीं कहेगा कि कैपेसिटर कहीं भी कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड कैपेसिटर, और क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड दिख रहा है, तो दो टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना, ये तो कॉमन सेंस है, ये सब जानते हैं, ये सारे स्टूडेंट जानते हैं कि बेटा डी बढ़ेगा तो सी क्या होगा, कम होगा, लेकिन एक गलती है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन नहीं रीड करते हैं, आपको जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, आपको देखना है कि कैपेसिटर कहीं क्वेश्चन में दिया है, कि जस्ट एक कैपेसिटर है, बोल दे कि एक चार्ज कैपेसिटर है, उसकी प्लेट की डिस्टेंस बढ़ा दी, तो कैसा कैपेसिटर है वो, आइसोलेटेड। अगर बोला कि एक कैपेसिटर है वो 20 वोल्ट से कनेक्टेड है, अभी उसके सेपरेशन को बढ़ा दिए, तो कैसा है वो, कनेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, बैटरी, हमेशा कुछ भी हो जाए
कुछ भी हो जाए बैटरी उस कैपेसिटर का क्या मेंटेन करके रखेगी? पोटेंशियल। अगर ये 20 वोल्ट है तो कुछ भी कर दे बैटरी इसे हमेशा कितने में रखेगी? 20 वोल्ट। तो अगर क्वेश्चन ये है तो नोन क्वांटिटी क्या हो गई एक और? पोटेंशियल। अगर आइसोलेटेड है कुछ भी बात नहीं बोला एक चार्ज कैपेसिटर था अब हमने उसका ये कुछ कुछ कर दिया तो बेटा अगर वो चार्ज कैपेसिटर था अभी बैटरी से तो कनेक्टेड है नहीं तो कौन सी चीज है जो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहेगी उसमें? क्योंकि अगर आप Q और V में रिलेशन नहीं ले पाओगे तो एक ही क्वांटिटी से अदर क्वांटिटीज नहीं बता सकते हो। तो मैं सेपरेशन बढ़ाने की बात करूं आंसर सेपरेशन डिक्रीज भी कर सकता है। आइडिया सिर्फ क्या था एक और नई क्वांटिटी को फाइंड करना। तो चले अभी शुरू कर देते हैं। अगर कैसा कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड तो हमने बोला कि डी इंक्रीज किया है तो उसका सी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब एक और नई क्वांटिटी पता चल जाती है क्या कि क्यू क्या रहेगा? बेटा क्यू इज इक्वल टू सी वी में देखो क्यू कांस्टेंट है सी कम हो रहा है तो वी क्या होगा उसका? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये पूछा जाता है कि उसका पोटेंशियल में क्या चेंजेस आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब आते हैं उल्टा अगर वो बैटरी से कनेक्टेड था तो सी तो कम हो रहा है लेकिन वी क्या है? ऑटोमेटिक उसका चार्ज क्या होने लग जाएगा? कम होगा। तो बताइए समझ आया कि नहीं? अभी देखने में सिंपल लग रहा है बट ये बहुत ही क्रिटिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सबको लगता है कि सिली मिस्टेक है बट सिली मिस्टेक नहीं है एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज की मिस्टेक है। वहां पर समझ आया या नहीं बताइए? ठीक है नेक्स्ट अब डिफरेंट चीजों पे बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यार पोटेंशियल एनर्जी का वो फॉर्मूला पिक करो जिसमें एक चीज क्या रहे कांस्टेंट। अगर आपने U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर पिक किया तो बेटा सी भी वेरिएबल वी भी समझ पाओगे क्या कि क्या होगा? नहीं सर। नहीं तो जब वो आइसोलेटेड है तब क्या कांस्टेंट है? Q वाला फॉर्मूला पिक करो क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी में सी क्या हो रहा है कम एनर्जी उसकी क्या होगी बड़ी। अगर आप सी वी स्क्वायर सोचते तो आप बता ही नहीं सकते थे क्योंकि सी कम हो रहा है वी बढ़ रहा है। अब आप सोचोगे अच्छा वी स्क्वायर है तो शायद बढ़ने लगे ऐसा नहीं है। ऐसा फॉर्मूला पिक करेंगे जिसमें एक चीज क्या रहे कांस्टेंट। तो सोचो अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट रहेगी? पोटेंशियल। क्यू स्क्वायर बाई सी उसमें यूज नहीं उसमें हाफ सी वी स्क्वायर देखो वी कांस्टेंट है सी क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो अगर बैटरी से कनेक्टेड है और आपने प्लेट डिस्टेंस बढ़ाई तो उसकी एनर्जी क्या होने लगेगी? डिक्रीज ड्रॉप इसी कम हो रहा है ना ड्रॉप होगी। और अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर है और आपने उसकी थिकनेस बढ़ा दी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ओके फिर यू हो गया उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा या फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आइसोलेटेड में क्यू चेंज हो रहा था क्या? नहीं। तो इवन आप बढ़ा भी दोगे तो अंदर की फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट। दूसरा यहाँ पर क्या है क्यू वी से हमने चेक किया था कि क्यू क्या हो रहा है तो फील्ड भी क्या होगी डिक्रीज। कुछ बुक्स इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि E is equal to क्या निकाल सकते हो V by D लिख सकते हो ना? हाँ सर। तो बेटा V by D तब यूज कर पाओगे जब V क्या हो कांस्टेंट। V भी कांस्टेंट नहीं है D भी कांस्टेंट नहीं है काम करेगा क्या ये इंटरप्रिटेशन? नहीं नहीं लेकिन वो लोग कुछ भी लिख देते हैं बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर काम कर जाता है क्योंकि यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड है तो V क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर D बढ़ाएंगे तो E क्या होगा डिक्रीज होगा कम। बट ये यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन नहीं है ना यार समझ गया ना यहाँ पर नहीं काम करेगा तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए करना है। आप यूज कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बट ध्यान देना है कि हर जगह नहीं करना यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्शन आ जाएंगे। ओके यस सर। नेक्स्ट फोर्स की बात है फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। हाउ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट सेम चीज क्यू कांस्टेंट देन F constant. और यहाँ पर Q decrease हो रहा है तो F भी decrease होगा। तो ये सारे theoretical questions हैं
क्लैरिटी है कि नहीं यार? यस सर। ओके, इसके बाद क्या आता है? वर्क डन। तो बताओ वर्क डन क्या होगा? यहाँ पर बैटरी है क्या कोई? नहीं सर। तो मतलब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर भी बैटरी तो है लेकिन आपको आगे उसे पुल करना है ना, तो दोनों ही केसेस में फोर्स तो एक लग रहा है और आप क्या दे रहे हो? एक डिस्टेंस। तो वर्क तो करना पड़ेगा ना। यस सर। यहाँ पे ज्यादा इजी है वर्क निकालना या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हो आंसर। सेकंड में निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होने लग गया है? वेरिएबल होने लग गया है। वर्क डन अलग तरीके से फिर हमें जज करना रहेगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे वर्क डन करने के लिए क्या काम आ जाता है। वर्क डन भाई बैटरी की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है? वर्क डन भाई बैटरी। एक चीज हम हमेशा मानते हैं कि हम मूव कैसे करा रहे हैं उसे, स्लो। तो जब हम स्लो मूव कराएंगे तो हम ये बोलते हैं कि अगर स्लो मूव करा रहे हैं तो एक चीज हमें इस प्रोसेस में समझना है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या लॉस होती है? हीट लॉस होती है। लेकिन जब हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है? एकदम स्लो कर रहा है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं जनरेट होगी। ओके, और बैटरी भी नहीं है फर्स्ट केस में क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो वर्क डन बाय बैटरी भी जीरो। तो इसका मतलब एक्सटर्नल का वर्क डन किसके जैसे आ जाता है? चेंज इन एनर्जी। तो आप चेंज इन एनर्जी से वर्क डन निकाल सकते हैं या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस से, लेकिन आपको उसी अकॉर्डिंग में समझना पड़ेगा चीजें। दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। अब अगर अच्छी बात यह है कि अगर आप एक्स बढ़ा रहे हैं तो अभी हमने देखा था कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है इस केस की? इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन क्या आएगा इसका? मतलब डेफिनेटली आइसोलेटेड कैपेसिटर में खुद से नहीं इंक्रीज होगी प्लेट, आपको इंक्रीज करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। जबकि यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि वर्क डन बाई क्या आ जाएगा? एक वहां पर बैटरी। हमें पता है कि वी फिक्स है बट चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या आने लगेगा? नेगेटिव। यहाँ पर हमने देखा था कि एनर्जी भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब एनर्जी भी कम हो रही है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालना है तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाई बैटरी। दोनों को प्रॉपरली सबट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ेगा उसमें। ओके, अब बात करते हैं कि दोनों में कौन डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है और हमें सबट्रैक्ट करना है। तो हमें ये देखना है कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो अच्छी बात है कि इसका फॉर्मूला हुआ ये चेंज इन चार्ज और इस तरीके से, जबकि एनर्जी को भी हम क्या लिख सकते हैं? हाफ क्यू इंटू वी करके, ठीक। पोटेंशियल तो क्या है उसका? कॉन्स्टेंट है। इसका आंसर क्या है? हाफ ऑफ दिस। इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा, और नेगेटिव वापस से मिल जाएगा तो क्या बना लेगा फाइनली? पॉजिटिव। तो दोनों ही केसेस में वर्क डन करना ही पड़ता है क्योंकि बिना किए कैपेसिटर खुद से नहीं ये होने लगेगा, अपना लेंथ बढ़ाने लगेगा। ओके, समझा कि नहीं? तो ये थोड़ी सी आपको चीज समझनी पड़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हुआ। दोनों केसेस में आइसोलेटेड हो या कनेक्टेड टू बैटरी, वर्क डन करना ही पड़ता है। साथ में आपको यहाँ पर दो चीजें जीरो मिलती हैं, हीट नहीं होती और बैटरी नहीं होती। हीट दोनों में ही नहीं होती है यहाँ पर, बट बैटरी का वर्क डन निकालना पड़ता है और चेंज इन एनर्जी भी निकालना पड़ता है। तो इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन पड़ते हैं कि चेंज इन एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा। ये जो ऊपर हमने सारी चीजें सॉल्व की है ना, बस इसी पे पूछता है। तो आपको क्या करना है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए
क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल गलती हो जाती है सबसे। यस सर। तो एक बार फिर से थॉट दे प्रॉपर, सिर्फ ये तीन क्वांटिटीज हैं जो सब कुछ हैंडल करने वाली हैं। आप इन्हें एक बार और अच्छे से समझ लें, बताएं अगर कोई डाउट है। आपको पता है ना कि क्यू सी वी यही तीन चीजें जो डिफाइन करेंगी सब कुछ आगे। तीन और एक्स्ट्रा क्या पूछी जाती हैं फिर? इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। फिर इनके बाद तीन आ जाती हैं, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल हीट। इन सब का रिलेशन इन तीनों से ही है। देखें जल्दी से, कुछ डाउट है तो अभी बता दें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है अगर हम देखें कि कैपेसिटर के बीच में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक। एट द एंड हम कर क्या आ रहे हैं दोनों केसेस में? जो दो स्पेशल केसेस है, क्या चेंज कर रहे हैं हम? अकेले सी डिफाइन नहीं कर सकता कि क्या होगा, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा चीज पता होनी चाहिए। तो सिमिलर, अगर वो कैसा कैपेसिटर है, क्या कांस्टेंट रहेगा? क्यू। और अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो वी। अब जल्दी से देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक रखने से सी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, सी बढ़ेगा। आइसोलेटेड को देखते हैं पहले, तो क्यू क्या है? क्यू इज इक्वल टू सी वी से सी बढ़ेगा तो वी कम होगा। अच्छा, वहां पे जो ऊपर वाला केस था उसमें फाइनल भी पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि जनरली एक्स आपको देता नहीं है, सिर्फ आपसे क्या पूछता है? थ्योरी। बट यहाँ पर वैल्यू भी पूछता जाता है, तो मुझे पता है कि सी कितना हो गया है, के टाइम्स हो गया है ना, सी डैश कितना हो गया है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कम हो रहा है ना, वन बाई के बचेगा। ओके, क्लियर है? सेम चीज यहाँ पर, इस बार क्या कांस्टेंट है? V। C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, नया Q क्या आ जाएगा? K times। तो अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये तो इंड्यूस चार्जेस है क्या? नहीं, इंड्यूस चार्जेस नहीं है बेटा, ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर अगर रखेंगे तो इंड्यूस नहीं, ये वाले नहीं, यहाँ पर ही चार्ज क्या आ जाता है, के टाइम्स एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी का क्या होगा? सेम सिनेरियो, क्यू सेम है तो सी बढ़ रहा है तो यू कम होगा ना, तो यू कितना अमाउंट में कम होगा? वन बाई के। सेम चीज यहां पर, हाफ सी वी स्क्वायर, वी क्या है? कॉन्स्टेंट। तो सी जो है के टाइम्स हो गया है, तो यू भी के टाइम्स। अब फिर से एक चीज सोचिएगा, ये जो चीजें मैंने लिखी नहीं है नोट्स में कहीं, अब ये लेक्चर सुनने वाले को ही याद रहेगी कि कौन सा फॉर्मूला पिक करते हैं। क्या समझाया था, कौन सा फॉर्मूला पिक करते हैं? जिसमें कांस्टेंट, जिसमें एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, ताकि आप जज कर पाओ, ठीक है ना? तो आप देखो मैंने दोनों साइड में अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू कॉन्स्टेंट था और यहाँ पर वी कॉन्स्टेंट है, ये रीजन है कि हम कौन सा फॉर्मूला पिक कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही नॉट थी, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा? क्यू क्यू इस केस में चेंज हो गया था कि नहीं? नहीं चेंज हुआ, लेकिन यहां पर के आ जाता है ना एप्सिलॉन नॉट के साथ वाला, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाता है, तो ई डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है? E not by K. अगर नहीं समझ आया तो किससे याद रखना है? क्या D को कुछ चेंज किया हमने? नहीं, बट V कितना हो गया है? V by K. तो मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, मे भी पता नहीं कुछ लोग के समझ आ रही है या नहीं, बट आइडिया ये है कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला पिक करो,
अगर जज करना है तो आप तभी कर सकते हो जब रिमेनिंग चीजें कांस्टेंट है और सिर्फ एक ही चीज का इफेक्ट आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर डी कांस्टेंट है और किसका इफेक्ट से देख लिया हमने, डी के इफेक्ट से. यहाँ पर देखे क्या होगा, यहाँ पर देखो तो बैटरी लगी है ना, तो वी भी क्या है कांस्टेंट और डी भी क्या है Constant. कुछ भी हो जाए ई क्या नहीं चाहिए कांस्टेंट. तो अच्छी बात यह कि यहाँ पर क्यू बदल गया है, क्यू कितना हो गया था के टाइम्स ऑफ क्यू और एप्सिलॉन खुद हो गया था के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, तो दोनों के कैंसिल. अभी ये चीजें आपको देखने में बहुत ही लाइट लग रही है, अच्छा अच्छा ओके ओके, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको आराम से फिर से 10-20 मिनट्स आप देंगे ये सारी चीजों को अच्छे से लर्न करने के लिए, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा इस सेक्शन से ज्यादा बनता है. ओके, नेक्स्ट लास्ट फोर्स. एक चीज याद है ना, बीच में डाइइलेक्ट्रिक रखने से फोर्स पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं. ऐसा क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेप ये था कि अंदर जो फील्ड होती है हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना कि दूसरी वाली प्लेट कहाँ रखी है, पहले की फील्ड में, तो F is equal to क्या लिखते हैं, Q on plate into E. Clear? तो यार देखो यहाँ पर तो E बदल गया है ना. Yes. E बदल गया, क्या Q बदला क्या क्वेश्चन का? नहीं बदला. तो फिर क्या ये फॉर्मूला बदलेगा क्या? नहीं, ऐसा देखने में लग रहा है, बट मैंने बताया था कि E जो बदला है वो किसके अंदर का बदला है, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर का, कैपेसिटर के अंदर का, जहां पे बाहर प्लेट रखी होती है उसका E अभी भी वही है, तो इसलिए यहाँ पर फोर्स चेंज नहीं होगा. F क्या रहेगा, अभी भी कॉन्स्टेंट. लेकिन ये चीज स्टार मार्क करके रखने वाली बात है, और तुम लोग को जितना भी बोलो तब तुम लोग स्टार मार्क नहीं करते हो और एग्जाम में वही वही गलतियां करते रहते हो, जिस चीज को मैं बार बार समझाता हूँ. क्या कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर क्यू बदल गया है, ऐसा नहीं है कि ई बदल रहा है, नहीं, क्यू ही यहाँ पर बदल गया है. क्यू कितना टाइम्स हो गया है, के टाइम्स. अब बात आएगी कि सर फिर एप्सिलॉन के बाहर के क्यों नहीं लगाया, तो बेटा प्रीवियस ई हम फाइंड कर रहे थे इनसाइड द कैपेसिटर, जबकि ये फोर्स में जो ई है वो क्या है, बाहर वाला है ना, जहां प्लेट रखी है, तो वहां क्यों डाइइलेक्ट्रिक का फर्क आएगा, आएगा क्या? नहीं, इसलिए एक के नहीं कैंसिल होगा, क्या आएगा यहाँ पर के स्क्वायर टाइम्स. तो क्या बताओ पूरे सेक्शन में कोई भी चीज स्क्वायर में आई है क्या अभी तक? नहीं. तो इसका मतलब ये याद रखने वाली चीज है, अगर तुम लोग को खुद से, एक तो मैं बता भी रहा हूँ और खुद से भी फील होनी चाहिए ना कि मोस्टली सारे आंसर इधर के टाइम्स होते हैं या फिर 1/k. तो अगर कोई चीज के स्क्वायर रिजल्ट आ रही है मतलब वो इम्पोर्टेंट है काफी, तो मार्क करके इसे अच्छे से समझना है. एक्सप्लेनेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन जो लोग क्लास में सुन रहे हैं वो समझ गए एक्सप्लेनेशन कि नीचे के क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लेट पे कैलकुलेट करते हैं और वहां पर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट के पहले तक होता है. ओके, और ऊपर के क्यों आया, क्योंकि इस प्लेट का क्या बदल गया है, चार्ज बदल गया है. ठीक है, तो मुझे लगता है इस तरीके से आप समझ गए चीजों को, फोर्सेस के बारे में क्लियर है. तो यहाँ पर फिर बाकी चीजें बना सकते हैं, क्या हीट लॉस क्या होगा यहाँ पर, जीरो. आइसोलेटेड है तो वर्क डन बाय बैटरी भी जीरो. हमने अभी ऊपर अभी जज किया कि यू क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज, तो इसका मतलब डेल्टा यू डिक्रीज. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आने वाला है, देन इसका मतलब क्या है कि अगर एक कैपेसिटर रखा है, फिर से सुनना यार अच्छे से, मजाक नहीं, अच्छे से ध्यान देंगे, अगर एक कैपेसिटर रखा है और उसमें आपने डाइइलेक्ट्रिक को ऐसे थोड़ा सा आगे लेके आए, किसको, डाइइलेक्ट्रिक को आप थोड़ा सा आगे लेके आए, तो अब आपको पूरा इंसर्ट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं, वर्क डन कैसा है, नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की फील्ड ही इसे खुद पुल कर लेगी, समझ आया या नहीं, वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब यह है कि डाइइलेक्ट्रिक को रखने के लिए हमें वर्क
नहीं करना पड़ता, डायलेक्ट खुद चला जाएगा। ओके लाइन रीड करें। ओके है या नहीं? यस। ओके गुड। नेक्स्ट बताइए, अगर बैटरी लगी भी है तभी भी हीट तो जीरो बट वर्क डन बाय बैटरी निकालोगे आप, तो बताओ बाद में चार्ज बढ़ गया था तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आया? पॉजिटिव। अच्छा ये वैल्यू भी आती है, ये वैल्यू भी पूछी जाती है, समझते जाना है। ठीक है यार, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो मैं लास्ट लाइन बताता हूँ, सिर्फ सी क्यू और वी यही तीन चीज है जो सब कुछ फाइंड कराएंगे। ऐसे ब्लाइंडली जो कोई लर्न करेगा ना वो कभी एग्जाम में नहीं कुछ कर पाएगा। आपको सिर्फ अंडरस्टूड करना है कि ठीक है कैसे निकालते हैं वर्क डन। आइडिया सिर्फ यही है कि फाइनल चार्ज क्या हो गया है, बदल गया है, चेंज हो गया। ओके बताए अब चेंज इन यू, ये तो पीछे निकाला था ना हमने यू कितना टाइम्स हो गई थी, के टाइम्स, तो यहां से क्या गया ये। ओके अब हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है तो डेल्टा एस तो जीरो है तो यू माइनस क्या जाएगा बैटरी। अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, समझा? ओके तो ये पॉइंट था। ठीक है मुझे लगता है अभी आपको सबको क्लैरिटी आ गई होगी इस चीज को लेके। पक्का ओके हैं सभी लोग? ओके गुड। तो ये चीज डाइइलेक्ट्रिक को लेके सभी को पक्का ध्यान रहेगी? अच्छा तो यार अब एक और चीज पूछी जा सकती है, नीट वालों में बिल्कुल नहीं, सिर्फ जेई में पॉसिबिलिटी है जो मैं आगे मैथमेटिकल वैल्यू बताने वाला हूं। क्या अभी मैंने क्या समझाया, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर डाइइलेक्ट्रिक ऐसे रखा है, सॉरी एक कैपेसिटर ऐसे रखा है और आप डाइइलेक्ट्रिक लेकर आए और आपने थोड़ा भी उसे इंसर्ट कराया तो बताओ वो खुद आ जाएगा या नहीं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो यही बताती है ना कि यही आ जाएगा, तो इसका मतलब हमसे अब वो क्या पूछेगा कि इस डाइइलेक्ट्रिक में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स, और बिकॉज ऑफ इट्स इंडक्शन फोर्स तो स्ट्रेट लगना चाहिए लेकिन बिकॉज जैसे ही इंसर्ट होगा इसमें इस तरीके से अंदर की तरफ भी चार्जेस इंड्यूस होने लगते हैं तो इसका मतलब जो फोर्सेस होते हैं वो इस तरीके से पुलिंग नेचर के लगने लगते हैं और उनका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है जो इन्हें पुल करता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों पुल होने वाला है। ओके यहां तक ओके है? और अभी आइडिया बहुत ही सिंपल है, मतलब अगर मैं क्यों मैं प्रूव नहीं कराना चाहता मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिर्फ इसका फाइनल इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये नीचे आएगा तो इसको अगर आपने छोड़ दिया तो इसको क्या मिल जाने वाली है, स्पीड। स्पीड अगर स्पीड मिल जाने वाली है तो ये नीचे आने लगेगा तो क्या गिर जाएगा क्या कैपेसिटर, अगर ऐसे आपने कैपेसिटर रखा और डाइइलेक्ट्रिक को ऐसे छोड़ दिया यहाँ के बाद तो क्या वो नीचे जाके गिर जाएगा क्या? नहीं, ड्यू टू स्पीड जब वो जितनी हाइट पे इंसर्ट कराया उतनी हाइट जब पहुंचेगा तो सारे फोर्सेस फिर से बैलेंस हो जाएंगे और फोर्सेस कैसे लगने लगेंगे, अपोजिट। तो इसका मतलब वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन। बट आप तुरंत समझ गए कि ऑसिलेशन है तो कुछ तो जुगाड़ करेगा और उसे क्या बना देंगे, SHM, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक है तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि अगर आप इसे प्रूव करोगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है लेकिन कब, जब स्मॉल हो वेरिएशन। तो आइडिया ये है मैं फाइनल कंक्लूजन आप लोग को बताता हूँ, फोर्स कैलकुलेट करने की पूरी इतनी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट रिलेशन आने वाला है। क्या अगर कैपेसिटर को आपने
स्मॉल डिस्टेंस इंसर्ट कराया है, ये इंसर्शन क्या है, एक्स है, और जो कि क्या है स्मॉल, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या करेगा SHM. और अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया क्या कि इसको जो है मान लेते ये हाइट कुछ है L, और L by 4 तक इंसर्ट करा दिया है, तब L by 4 स्मॉल है क्या L के रेस्पेक्ट में? नहीं, तब फिर ये होंगे ऑसिलेशन और ये होगा SHM. समझा या नहीं बताइए? ठीक है, अब मुझे बताइए कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कोई बता सकता है एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर? थोड़ा फील करें कि कैसी ऑसिलेशन हो रही है और जरा नोटिस करें कि एम्पलीट्यूड क्या होगी. बताएं, सपोज ये मेन पोजीशन है तो ये नीचे तक जाएगा, पॉइंट समझा कि नहीं? L plus L by 4. ओके, जस्ट अ मिनट, सपोज ये x है, तो अगर आपको एम्पलीट्यूड देखना है तो आप इसे रेफरेंस लो कि यार यहां पर रेस्ट पे है और ये नीचे जाएगा यहां तक. ओके है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर, ये डाइइलेक्ट्रिक की जो लेंथ है वो भी एल ही है, क्योंकि कैपेसिटर में फिट होने जितना डाइइलेक्ट्रिक ही यूज करेंगे ना आप. तो डाइइलेक्ट्रिक की भी लेंथ एल है और एक्स यहां पर रह गई, एक्स अंदर आ गई है, तो ऊपर रिमेनिंग कितनी है? एल माइनस. नीचे कितनी बचेगी? एल प्लस. नीचे एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, एल माइनस एक्स एक्स्ट्रा बचेगी ना, ऊपर भी एल माइनस एक्स और बीच में एल एल, तो यही तो उसके एम्पलीट्यूड का पूरा पाथ हो जाएगा ना. कि अगर हम यहां से देखें कि उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड पूरा रहेगा कि इस पॉइंट के अबाउट SHM उसका देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके वो रेस्ट पे होता है, यहाँ पे वी मैक्स में होता है और फिर जाके रेस्ट पे होता है. तो इसका मतलब ये वाली हाइट क्या हो गई उसकी एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि कितना उसमें इंसर्ट करा दिया हुआ है. ठीक है, तो टोटल पाथ कितना कवर हो गया? टोटल पाथ अगर देखे तो टोटल पाथ कवर हुआ पूरा, अगर हम देखेंगे एल कवर हुआ प्लस टू टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स, और इसमें से अगर आप डाइइलेक्ट्रिक की एल थिकनेस हटा दोगे तो कितना पाथ हुआ टोटल कवरेज डिस्टेंस टू एल माइनस एक्स. तो एम्पलीट्यूड तो हाफ होता है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? एल माइनस एक्स. ठीक है, तो ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया. तो ये कुछ केसेस है SHM से पूछे जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज को बताने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है, तो कैपेसिटर में जो डाइइलेक्ट्रिक है ना, उस पर आपको अच्छे से थॉट देना है, चीजों को ध्यान देना है प्रॉपरली. क्लियर? ओके है या नहीं यार यहां तक? अच्छा, ठीक है. अब बात आती है थोड़ी सी नोट्स. तो नोट्स यार अभी मैंने SHM का बनाया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको जो है नोट्स इवनिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें जो SHM के पेजेस है वो ऐड कर दूंगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीट वाले स्टूडेंट्स को डाइइलेक्ट्रिक का मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ SHM देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, उन्हें सिर्फ कहाँ तक देखना है? यहाँ तक. ओके यार, क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है, तो ये पॉइंट था. तो यहां से हमारा यार कंप्लीट होता है जो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट वाला सेक्शन था.
इसके बाद हमारा एक लास्ट सेक्शन बचता है क्या, आरसी सर्किट। क्या बनता है? आरसी। आरसी सर्किट दो जगह पे आपको देखने को मिलेगा, आप समझ गए, दो जगह पर कहां मिलेगा, एक सी में मिलेगा और एक आर में। सी वाला चैप्टर कैपेसिटर हो गया, आर वाला चैप्टर हो गया करंट। तो मैं आरसी यहां पर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब करंट में मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। अब यार दिक्कत ये होती है ना, प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कि इसमें यार करंट का लॉजिक ज्यादा यूज होता है, आरसी में करंट का लॉजिक ज्यादा यूज होता है। तो मैं बेसिक मान के चल रहा हूं कि आपको क्लास टेंथ वाला करंट वगैरह तो याद होगा। अगर एक हम रेजिस्टर यूज करते हैं और ये क्या है, एक ईईएमएफ की क्या है, एक बैटरी, तो सॉल्विंग कैसे करनी है, करंट कैसे निकालनी है, ये सबको पता है। आए तो क्या, आए कितना आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, आपको पता है कि कैपेसिटर को जैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं आर का, उसका अपोजिट। तो चले समझेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, आरसी सर्किट क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी तक हम जब कैपेसिटर चार्ज कर रहे थे तो सर्किट कैसा मान रहे थे, आइडियल। बट आपको पता है ना कि कोई भी वायर हो उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, आप समझे। तो इसका मतलब आइडियल सी कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। जैसे ही चार्ज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, आरसी। तो आपको वायर्स का आर देना ही पड़ेगा, बट जनरली आइडियल वायर मान लेते हैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। समझा कि नहीं यार? तो क्या रियल में सी अकेले होता है क्या, नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आरसी होता है। अब क्या है, अभी क्या है, आर एक्चुअल में भी लगा सकते हैं, सेपरेट भी लगा सकते हैं सी को हैंडल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो चीजें समझते हैं, चले सोचो मेरे पास ई वोल्ट की बैटरी थी और मैंने आर और सी लगा दिया, तो दोनों लोग थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल लेंगे। तो बताएं ये लिख सकते हैं हम, yes. Yes, अब रजिस्टर में करंट कैसे लिखते हैं, आई आर वोल्टेज, और कैपेसिटर में Q by C. तो अब काम नहीं बनेगा ना, ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि Q और I में थोड़ा सा रिलेशन होता है। I को क्या लिख सकते हैं, Q by T. जस्ट क्यू बाई टी, नहीं बेटा, जब फंक्शन चल रहे होते हैं तो क्या लिखेंगे, dQ by dt. तो मैंने लिखा dQ by dt, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसे, integrate. E के साथ मैं ये Q लेके आया, ये समझा, और dQ को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, dQ के साथ Q वाला टर्म रखेंगे और T के साथ R वाला टर्म। तो देखो क्या हुआ, LCM ले लिया हमने, ये सॉल्व कर लिया, dQ by R हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो Q वाला टर्म था ये किसके साथ रख लिया, dQ के साथ, और ये RC अपना dt के साथ। अब इसे क्या कर दिया, इंटीग्रेट। जब जीरो था तब चार्ज था क्या कैपेसिटर में, कुछ नहीं। T टाइम बाद कुछ Q चार्ज आ जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करनी है। जब कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्टेड था तब मैंने क्या बोला था, प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। अभी T जीरो पर चार्ज नहीं है और थोड़ी देर बाद ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। तो हम मानते थे सीधा कौन सी कंडीशन, फुल चार्ज। अभी हम कौन सी मानेंगे, एट टाइम T पर कितना चार्ज आ जाएगा। ओके क्लियर, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ec minus q upon minus. समझाना, ये नीचे x टाइप दिख रहा है तो क्या आने वाला है इसका ln, बट ये माइनस q है तो क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा। अब रखेंगे पहले q तो क्या आएगा, ये, फिर रखेंगे जीरो तो क्या आएगा, ये। ओके, फिर ये डिवाइड बाय ये हो जाएगा और ये वाला माइनस हमने कहाँ लगा दिया, राइट साइड पे। अब इनको डिवाइड दे दिया तो क्या बन गया, ये। अच्छा सॉरी, पहले इस एलन को किसके फॉर्मेट में लिख लिया, ई टू दी पावर में, क्लियर है।
ये वाली चीज पावर में जाती है और यहाँ पे जो होता है वो रिजल्ट में आता है, ओके ना? ये तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर ये डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा, ये क्यू बाई सी आ जाएगा, ये ई टू दी पावर हो गया। तो ये वन से इधर सब्ट्रैक्ट में लाया और इसे राइट साइड में, और ये इसी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेरिवेशन ठीक है, मैं डेरिवेशन में स्पीड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, बोर्ड के सिलेबस से भी अभी हट गया है, ये पहले था अभी हट गया है। तो आप कंक्लूजन याद रखेंगे कि क्या आने वाला है, चार्ज का फॉर्मूला क्या आ रहा है। नोटिस करो कि ये किसके जैसा लग रहा है, सी इंटू ई क्यू, ई बैटरी है सी, मतलब ये क्यू टोटल टाइप लग रहा है ना कुछ। हाँ सर, आइडिया ये है कि जो चार्ज होता है वो क्यू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स के फॉर्मेट में चलता है। इसका मतलब आपको मैथ में ये समझना पड़ेगा कि वन माइनस ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो मैं समझा देता हूँ, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ होता है ये इंक्रीज, क्लियर? ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होता है ये, और अगर आप वन माइनस कर दोगे तो माइनस ई टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा ये, और इसे वन से माइनस कर दोगे तो ये वन अमाउंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वन पे कट करता है ना। तो इसका मतलब सब कुछ हटा दो और फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया ये, और ये फिजिक्स में बहुत ही फेमस ग्राफ है। ओके, जस्ट मैं थोड़ा जस्ट सेकेंड, ओके तो ये ग्राफ अभी समझ आया कि नहीं? मतलब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि इसे आप लर्न रखो यार, इतना स्पेशल ग्राफ है ये वन माइनस ई टू दी पावर का, आगे दो तीन चैप्टर्स में काम आएगा फिजिक्स में, ट्वेल्थ का फेमस ग्राफ है ये, समझो इसे। किस चीज का ग्राफ है ये, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि अगर यहाँ जीरो रखा तो ये क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर जीरो वन। मतलब कि टाइम जीरो पर कोई भी चार्ज है क्या कैपेसिटर में, नहीं। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे चार्ज बढ़ेगा, एक टाइम बाद चार्ज नियरली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वो टाइम फिर क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पर जाकर कॉन्स्टेंट होगा, एग्जैक्ट कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता। ये ई टू दी पावर के ग्राफ की खास बात होती है, क्या ऐसे टच कर जाते हैं क्या, नहीं, ऐसे रहेगा हमेशा कि इट विल बी क्लोज टू, ठीक है। अब इन ग्राफ की और खास बात पता है क्या है, कि ई टू दी पावर एक्स में है, सोचो एक्स की वैल्यू क्या ले लो आप, वन, एक्स की वैल्यू क्या ले लो, वन, x की वैल्यू ले लो टू, x की वैल्यू ले लो थ्री, तो आपको ये तीन वैल्यूज याद रखनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कोई बताएगा ये तीन वैल्यूज क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं, समझने का ट्राई करेंगे। अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, वन, क्या रखता हूं यहां पर, मैं अगर वैल्यू रखता हूं वन, तो ये क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस, मतलब वन बाई ई, मतलब वन माइनस वन बाई ई, तो ये क्या हुआ, ई माइनस वन बाई ई। तो एग्जाम में ई की वैल्यू दी होती है, लेकिन अगर आप लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा ना। तो आपको कौन सी तीन वैल्यूज याद रखनी है, वन टू एंड थ्री की, ठीक है। तो चले समझ लेते हैं पूरे केसेस वाइज, सारा कुछ स्टेप वाइज समझते हैं। देखें, नंबर वन, अगर क्या है वो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब आर को क्या रख दो, जीरो। तो ये जो टी बाई आर सी आया, टी बाई आर सी, और आर को आपने रखा जीरो, तो ई टू दी पावर इनफाइनाइट, ई टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है,
जीरो, किसी भी चीज की पावर इनफाइनाइट मतलब जीरो, आप समझो ये वन से बड़ा होता है ना, तो नेगेटिव इनफाइनाइट मतलब इधर आ गया, वन अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट जैसा होगा, तो आंसर क्या आएगा जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई सी। मतलब ये समझाना चाहते हैं कि अगर ये प्योर कैपेसिटर कैपेसिटिव सर्किट है तो कितना टाइम लेगा ये चार्ज होने में, इनफाइनाइट। ओके, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है, वो होगा सी इंटू उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है। ओके, और मैक्सिमम वोल्टेज किसके जैसा है, बैटरी के जैसा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि वो जो फॉर्मूला सी ही लिखा है वो एग्जैक्टली क्या है, क्यू मैक्स है। ठीक है, यहां पर एक आपको क्या दिख रहा है आरसी, जरा बताओ आरसी की यूनिट क्या होगी, ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी लिखा है। अरे इसकी यूनिट किसके जैसे होनी चाहिए, सेकेंड। तो आपने डायमेंशन में अगर याद हो, आपको कई बार ये टर्म आया होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ आर इनटू सी, तो तब मैंने बोला होगा कि आपको आर और सी अभी सिखाया नहीं है तो मत करो, बट आप यहां से समझ सकते हो कि आर एंड सी की क्या आएगी, टी टाइम जितनी। ठीक है, ओके, तो यहां पर समझेंगे हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं, आर एंड सी को क्या लिखते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो आपको एग्जाम में पता है क्या करता है, आर और सी अलग अलग नहीं देता, क्या दे देता है सीधा टाइम कांस्टेंट। एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है 20 सेकेंड, तो इसका मतलब बताओ कब वो 95% चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब क्या पूछा है आपसे टी, और ये क्यू कितना हो गया है 95% मतलब 0.95 टाइम्स ऑफ क्यू, तो ये आ गया 0.95 इज 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय टाउ। अब यार ये मैंने कई बार आपको वहां पर भी बताया था न्यूटन स्कूलिंग में भी, कि कुछ केसेस अगर याद रखोगे तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ई टू द पावर की वैल्यूज याद रखोगे तो ई टू द पावर की कुछ वैल्यूज अगर हम याद रखें क्या, कि वन टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है 63%। ठीक है, टू टाइम पीरियड बाद देखोगे तो नियरली ये वैल्यू कितनी आती है 87% के आसपास, और थ्री टाइम कांस्टेंट के बाद 95। इसका मतलब क्या आंसर होगा, कितनी देर बाद वो 95% चार्ज हो जाएगा, 60 सेकेंड्स बाद। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये वैल्यूज दी होती हैं, बट आप वन अपॉन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ई आप समझ रहे हो ना, ई की वैल्यू दे दी मैंने आपको, अब आप उसे सॉल्व करो नहीं होगा, मतलब टाइम लगेगा बेसिकली सही। तो इसलिए आपको कुछ स्पेशल केसेस याद रखने हैं कि वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितना कैपेसिटर चार्ज हो जाता है 63.2%, क्योंकि 1/e की जो वैल्यू आती है 0.368, क्यू कितना आता है 0.632, क्यू मैक्स मतलब 63.2% चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये ग्राफ इस तरीके से होता है कि फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में 1 टाउ में 63 जाता है, 2 टाउ में 87 के अराउंड, और 3 टाउ में 95%। ठीक, ये हुआ क्या टाइम कांस्टेंट का, जो आपको कैपेसिटर में चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, आरसी में भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारा टाइम का प्रॉब्लम है तो हमें एक हाफ एन आवर और लगेगा क्या समझने के लिए आरसी को और डिटेल में, तो आरसी को अभी यहीं तक ही रखते हैं। जस्ट मैं एक हिंट दे रहा था कि आर के वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा, चार्ज का पूरा क्या पूछा जाता है आपसे, फंक्शन, पूरा ये फंक्शन पूछा जाता है, तो अभी हम इसमें बहुत सारा डिस्कशन करेंगे
कि चार्ज दिया है तो फिर करंट कैसे निकालनी है और बाकी सारी चीजें हैं। तो आरसी पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बट मैं बता देता हूँ इस टेस्ट के लिए आरसी नहीं है, सिर्फ वो डाइइलेक्ट्रिक तक ही है यहाँ तक। तो इसलिए आरसी को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? शीट डिस्कशन। आप लोग शीट सॉल्व कर ले, डीसी पांडे सॉल्व कर ले, जितना ज्यादा सॉल्विंग करेंगे क्वेश्चन की क्लैरिटी उतनी ज्यादा आपको आती जाएगी। ओके ठीक है, चलो ध्यान दें। मैं नोट्स पोस्ट करता हूँ और अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करें। कल से अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आरसी के क्वेश्चन छोड़ देंगे हम, सिर्फ बेसिक्स जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाले अपकमिंग टेस्ट में पूरा इंक्लूडेड रहेगा। ओके ओके चलो ठीक है देन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, all of you.